एक ऐसे मंदिर में मैं आज आया हूँ। बहुत ही खुशकिस्मत हूँ, पहली बार। लेकिन ये शख्स रवि साहब, जो कि एक कुदरत का एक ऐसा करिश्मा, रवि साहब फरिश्ता, जिनके आशीर्वाद मुझे पिछले 50 से भी ज़्यादा सालों से मुझे मिल रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि आज जो कुछ भी मैं लोगों के दिलों में जगह पाई है मैंने, वो सिर्फ और सिर्फ रवि साहब की वजह से हैं। उनके आशीर्वाद मुझे मिले हैं, कुदरत ने भले आवाज़ दी है, लेकिन अंदाज रफ़ी साहब का मैंने बहुत बहुत सुन सुन के, बहुत बारीकियाँ सुन सुन के आशीर्वाद उनके पाए हैं। और क्या कहूँ उनके बारे में, लोगों ने तो बहुत कुछ कहा है, तो मैं तो बस एहसास ऐसा मुझे मिल रहा है कि मेरे भगवान, मेरे खुदा, मेरे गॉड, ये सभी यही शख्स हैं जो उनको मैं सुबह उनको प्रणाम करता हूँ, और जब कभी भी शो के लिए या कहीं भी गाना हो तो मेरे दिल में उनको एक प्रणाम करके फिर शुरुआत करता हूँ। क्योंकि खुद उन्होंने गाकर कहा है कि जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। रवि साहब के अंदाज हर अदाकार के लिए ऐसा लगता था जैसे खुद अदाकार गा रहा है। सही मानों में प्लेबैक सिंगिंग अगर बॉलीवुड का है मेल सिंगर में, तो वन एंड ओनली रवि साहब। बहुत ही सभी सिंगर्स अच्छे हैं, मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन जो प्लेबैक सिंगिंग की जब बात आती है तो रवि साहब का नाम अव्वल नंबर पर आता है। खुद मन्नादास साहब ने कहा है, किशोरदास साहब ने कहा है कि जो रवि साहब कर सकते हैं तो हम ये बात कुछ नहीं कर सकते। रवि साहब के बारे में तो दुनिया ने बहुत कुछ कहा है, हमने तो सिर्फ एहसास किया है कि हमारे सर पर रफ़ी साहब का आशीर्वाद हमेशा रहे। आजकल मैं जो भी रोटी खाता हूँ या स्टेज पे मुझे मान सम्मान मिलता है, सब कुछ मिलता है, मैं सबका सब रफ़ी साहब को डेडिकेट करता हूँ। नमस्कार, मुझे इस मंदिर में आते हुए बहुत ही सुकून महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत ही सुकून महसूस कर रहा हूँ, शांति। रफ़ी साहब के चेहरे पर जो मुस्कान थी, वो हमेशा ऐसी मुस्कान थी कि जैसे वो सब कुछ पा लिया है, खुदा ने सब कुछ दे दिया है, और सब कुछ जो देन है वो खुदा की देन है। और मैं भी यही समझता हूँ कि जो कुछ है मिलता है भगवान की कृपा से और गुरु की कृपा से। मन तड़पत हरि दर्शन को आए, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ, दीजो दान हरि गुन गाऊं, सब गुनी जन पे तुम रारा, मन तड़पत हरि दर्शन को सोचता पियूं पियूं चाक दामन सियूं सियूं सियूं, देख कर जाम
कश्म कश्म मैं हूँ, क्या करूँ जीऊँ जीऊँ न जीऊँ। सावन के महीने में एक आग सी सीने में लगती है तो पी लेता हूँ, दो चार घड़ी जी लेता हूँ। सावन के महीने में रात की जाग भी अदा की हुई, चांद की चाल भी अदा की हुई। सारी कुदरत नशे में है और मैंने पी ली तो क्या खराबी है। सावन के महीने में एक आग सी सीने में लगती है तो पी लेता हूँ, दो चार घड़ी जी लेता हूँ। अयं बंधुरयं भीति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम्।